निकाय चुनाव को लेकर बाढ़ नगर परिषद में सत्ता संग्राम छिड़ चुका है। माहौल बड़ा ही रोचक दिखाई देने लगा है। इस नगर परिषद में कई नए और कई पुराने चेहरे भी दिखलाई देने लगे हैं। एक से बढ़कर एक राजनीति धुरंधर डिप्टी चेयरमैन पद पर काबिज होने को लेकर अपने अपने तरीके से मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। सभी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। उनके इस दावे में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम बात करें डिप्टी चेयरमैन प्रत्याशी नीलम भगत की, जो एक शिक्षित योग्य महिला उम्मीदवार रजनीश भगत उर्फ मिक्की भगत की धर्मल पत्नी है। ये पूर्व में भी पार्षद रह चुकी हैं। इनके परिवार वालों का बाढ़ नगर परिषद से वर्षों गहरा नाता रहा है। मिक्की भगत के बड़े भाई एवं चाचा से लेकर दादा महावीर भगत तक नगर परिषद की शीर्ष कुर्सी पर विराजमान हो चुके हैं। राजनीति तो इनके परिवार के रग में भरा है। नगर परिषद की कुर्सी पर इनके अग्रज विराजमान ही नहीं हुए बल्कि बाढ़ नगर परिषद के लिए त्याग भी किया। जी हां, सीना तान कर बाढ़ नगर परिषद भवन जिस धरती पर खड़ा है उस धरती को मिक्की भगत के दादाजी ने ही दान स्वरूप दिया था। इतना ही नहीं, इस नगर परिषद की भूमि के अलावा उन्होंने बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए बाढ़ के NH 31 के पास स्थापित अनुग्रह नारायण सिंह उच्च विद्यालय की भूमि भी उन्होंने ही दिया था, जो आज बेली हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। मिक्की भगत की मां ने तो डिप्टी चेयरमैन पद के लिए उनकी धर्मल पत्नी नीलम भगत को जनता का भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है। आइए जानते हैं नीलम भगत का प्रतिनिधित्व कर रहे मिक्की भगत से उन्हीं की जुबानी। अपना परिचय दीजिएगा। मैं रजनीश भगत हूँ। मिक्की भगत शुभ नाम होगा। मिक्की भगत जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं जी? किस पद के लिए लड़ रहे हैं सर? हम तो लड़ रहे हैं वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 20 से जी, जो हमारी मैडम का सीट था जी, उस पर मैं लड़ रहा हूँ। आप चेयरमैन के लिए भी नामांकन करवाए थे जी, तो वापस लेने का क्या कारण था? वापस लेने का कारण था कि सारे समाज में हम लोग का एक एक फिगर आया कि आप वाइस चेयरमैन में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं, आप इस सीट पर आप लड़िए, सेवा ही करना है तो कोई जरूरी नहीं कि चेयरमैन बनकर ही सेवा करना है, तो वाइस चेयरमैन बनकर के लिए। ये पब्लिक डिमांड था, पब्लिक का डिमांड था। आप वाइस चेयरमैन? अच्छा, राजनीति में आप कब से हैं? 2000 हम तो राजनीति में 83 से ही है। हम कॉलेज का भी चुनाव लड़े थे, छात्र नेता थे, छात्र नेता रहे हैं। हाँ, कॉलेज का भी चुनाव हम जीते हैं। उसके बाद पहला चुनाव 2002 में हुआ, उस चुनाव से लेकर अभी तक। क्या आपसे पहले भी कोई आपके परिवार से राजनीति में थे? हमारे पिताजी थे, हमारे चाचा जी थे, हमारे बड़े पिताजी थे, हमारे दादाजी थे चेयरमैन, हमारे दादाजी थे, हमारे बड़े पिताजी चेयरमैन थे, हमारे चाचा जी भी पार्ट होल्डर थे। मतलब राजनीति से आपका गहरा नाता रहा जी, है जी। किस तरह के सामाजिक योगदान रहा है अभी तक आपका बाढ़ क्षेत्र में? हमेशा जनता का आवाज हम उठाए और जनता का आवाज हम सब दिन जब भी जीते हैं तो विक्षुब्ध खेमा में रहे और जनता का आवाज हम उठाए, उसके कारण हम बहुत क्षति भी हम लोग को हुआ है, लेकिन वो क्षति जनता का अगर सुख हो जाए उस क्षति हमको मिल जाए। हाँ, लेकिन जैसा कि हम लोगों को पता है सर कि आपके परिवार से बहुत दान दिया गया है बाढ़ के जनता के लिए जी। हमारे दादाजी महावीर भगत जी थे, बेली हाई स्कूल जमीन पर मकान बनाकर बेली साहब SDO साहब के नाम पर दान कर दिए थे, और अभी वो अनुग्रह नारायण सिंह उच्च विद्यालय चल रहा है। उसके बाद नगर परिषद का जो जमीन है वो भी हमारे दादाजी दान किए थे, और हमारे बगल में 21 नंबर के वार्ड में 4 कट्ठा जमीन हम लोग अखाड़ा दल के लिए सामाजिक कार्य करने के लिए हम तथा हमारे सारे परिवार मिलकर दान किए हैं। क्या रह गया, इससे पहले भी तो आप बाढ़ में थे? हाँ जी। तो कुछ ऐसी समस्या थी जिसे फिर से आप पूरा करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं? देखिए, बाढ़ का तो सबसे बड़ा समस्या है पानी आना और पानी जाना, दो समस्या है। पानी हमारे बाढ़ में शुरू से ही पानी का निकास नहीं था, और पानी पेयजल का भी समस्या था, तो हमने अपना जमीन पर नाला बनाकर और उसको बाहर किए, तो पानी का समस्या लगभग हमारे वार्ड का खत्म हुआ।
जल जमाव की समस्या, जल जमाव की समस्या, तो पेयजल का क्या रहा, पेयजल की समस्या, पेयजल का समस्या, हम हर गली में पाइप बिछवा दिए हैं कि किसी को भी 100-200 फीट पाइप लगाना नहीं पड़े। पहले तो 500 फीट 400 फीट लोग पाइप लगा कर पानी ले जाते थे, लेकिन हर घर के बगल में हम पाइप का बिछाए और पानी का समस्या दूर। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है, मैं टेम्पू छाप है। टेम्पू छाप, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील करते हैं कि जो भी मेरा बचा हुआ काम है, अभी काम पूरा करने के लिए एक मौका हमको दिया जाए। आपकी पत्नी भी चुनाव मैदान में है, वो किस पद से है? फर्स्ट चेयरमैन से। क्या क्या रुझान है उनके प्रति जनता? तो जनता से सब सारे जनता लोग से मिल रहे हैं, जनता को आशीर्वाद ले रहे हैं और जनता पर निर्भर है। हम तो सारे बाहर के लिए सेवा किए हैं, सब लोग का के बीच में रहे हैं सदा, और हम जनता के बीच में हैं। और यहाँ क्या कैंडिडेट का क्या नाम है? नीलम भगत। नीलम भगत, उनका चुनाव चिन्ह मटका छाप। क्या अपील करते हैं आप जनता से उन वाइस चेयरमैन के पद के लिए? जनता से, जनता, हम तो सब बाढ़ के जनता से हम अपील करते हैं कि नीलम भगत जी को मटका छाप पर दिया कि क्या वादा करना चाहते हैं जनता से? जनता जनता से हम वादा करना चाहता हूं कि मैं भी सुख दुख में हमेशा उनके साथ रहूंगा और कभी भी हम पीछे। मेरा नाम नीलम भगत है, किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? उपाध्यक्ष पद के लिए। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष के लिए। इसके पहले आप राजनीति में थी? हाँ थी। कौन से पद पे थे इसके पहले आप? 20 नंबर वार्ड से। वार्ड कौन से करते हैं जी? कैसा रहा उस समय का कार्यकाल आपका? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा। तो क्या जो जन समस्या थी आपके वार्ड के, उस समय आप काउंसिल में जाके उसकी आवाज उठा पाए, उठाती थी? हाँ उठाते थे। तो क्या कुछ हद तक समस्याओं को समाधान किए थे? हाँ समाधान किए थे। तो जन समस्या थी आपकी वार्ड में जिसको आपने समाधान किया हो? जल जमाव, रोड बनाना जी, गली नाली बनवाए थे। हाँ गली नाली बनवाए थे। राशन कार्ड वगैरह? राशन कार्ड भी बनाए थे। पेंशन भी।